हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताराम्स किचन। आज मैं बनाऊंगी मटर पनीर। मटर पनीर काफ़ी अलग अलग तरीके से बनती है। मटर पनीर की रेसिपी को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपको ये अपने स्टाइल में मटर पनीर बना के दिखाऊंगी। मटर पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी और मैं इसे आप देखिए बिल्कुल ईजी तरीके से और घर के इन्ग्रीडियंट से बनाऊंगी। मैं कोई भी अलग से इन्ग्रीडियंट्स या मसाला यूज़ नहीं करूंगी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो देखते हैं मैंने ये मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। मैंने मटर पनीर बनाने के लिए मटर, आप फ्रेश या फ्रोज़न कोई भी मटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ करी है। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे उबाल कर यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 350 ग्राम मटर लिए है। ये लिए मैंने पनीर को क्यूब्स में काट लिया है। इस तरह से आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से पीसेस को कर सकते हैं। मैंने पनीर भी 350 ग्राम लिया है। जितना मटर लिया है उतना ही पनीर लिया है। ये मैंने प्योरी बनाई है। इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसको मिक्सी में पीस लिया है। कुकिंग ऑयल, 2 तेज़पत्ता और 2-3 साबुत लाल मिर्च लिए हैं। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल को गरम होने दें। तेल हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें हींग डालूंगी। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने। उसके बाद जीरा डालेंगे। अपने सूखे मसाले डाल देंगे, तेजपत्ता और लाल मिर्च। उसके बाद में मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। और वो कुछ सेकंड तक भूनेंगे मसालों को। तेल में भूनने से हमारी सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। बस मैंने इतना ही भूनूंगी। उसके बाद में जो प्योरी मैंने तैयार की थी वो डाल दूंगी। मैंने मसालों को भूनने के बाद में इसमें प्योरी डाल दी है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर इसे मिक्स करेंगे। अब हम अपनी प्योरी को पकाएंगे जब तक कि इसका जितना भी पानी है वो निकल नहीं जाता और हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर नहीं आ जाए। और इसकी क्वांटिटी भी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी। तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करें, मीडियम टू हाई रखें या आप चाहें तो हाई भी रख सकते हैं। और इसको प्योरी को अच्छे से पकने दें। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं चिपक रही है, इसका सारा पानी रिड्यूस हो गया है। इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गई है और इसका ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर निकलने लगा है। अब मैं इसमें अपनी मटर डालूंगी। मटर को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें अपना पनीर डालूंगी। उसको भी मिलाएंगे। इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। 1 कप के करीब पानी डाला है मैंने, क्योंकि अभी हमें इन चीज़ों को पकाना भी है। और थोड़ी सी मैं इस सब्जी में ग्रेवी भी रखना चाहती हूँ, मतलब एकदम ड्राई सब्जी नहीं बनाना चाहती इसे। तो इसमें अब मैं इसको ढककर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखूंगी और इसे 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। इससे हमारी मटर पनीर अच्छे से पक जाएंगे और जो मटर पनीर है वो ग्रेवी को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो अब मैं इसे 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। इसे मैं ढककर ही पकाऊंगी। अच्छे से पक भी गई है हमारी सारी चीज़ें। अब मैं इसमें अपना गरम मसाला डालूंगी और कस्तूरी मेथी डालूंगी। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी को भूनकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे मिलाएंगे। कस्तूरी मेथी से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं सिर्फ इन्हें 1 मिनट तक और पकाऊंगी जिससे कि गरम मसाला कस्तूरी मेथी का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। हमारी मटर पनीर एकदम तैयार है। इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सब्जी बनी है, एकदम जैसे आपने रेस्टोरेंट्स या ढाबे में खाई होगी। देखने में बिल्कुल सब्जी वैसी लग रही है। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। मटर पनीर की सब्जी तैयार है। आप देख सकते हैं सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है।
ये एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्जी है, ये देखने में नहीं टेस्ट में भी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी लगेगी आपको। 15 से 20 मिनट लगेंगे हमको इस सब्जी को तैयार करने में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये सब्जी बनाई है और इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स भी वो यूज़ करे हैं जो हर किसी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने इसमें कोई भी मार्केट का मसाला यूज़ नहीं किया है। तो आप मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।